नमस्ते व्यूअर, मेरा नाम है संकेत, अमरावती महाराष्ट्र से आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अमरावती गार्डनिंग बर्ड्स। तो आज हम आए हुए अंजलि गुल्लार मैडम के यहाँ पे। तो इनके यहाँ पे भी ज्यादातर जो इनकी खासियत है बोगनवेला, जो आप जैसे मेरे पीछे देख रहे हो। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। मैडम आपका परिचय हमारे व्यूअर्स को दीजिए। मैडम हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ अंजलि गुल्लानी, सिंधुजना घाट से। सालों से गार्डनिंग करो मैडम? मैं बचपन से, मुझे शौक है, लेकिन शादी के बाद मेरा कुछ इंटरेस्ट कम हुआ था, बच्चे छोटे थे नहीं होता था, फिर अभी बच्चे बड़े हो गए हैं तो अब मैं वापस 12 साल से फिर भी मैं एक्टिव हूँ। अच्छा, 12 साल से। तो आपका खासियत यही था, जैसे आपके पीछे दिख रहे बोगनवेला, आपको शायद ज्यादा अच्छे लगते हैं बोगनवेला। हाँ सर, मुझे बोगनवेला बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ बरसात का टाइम छोड़ के बाकी पूरे फूल, अब 8 महीने में फूल रहते हैं। हाँ, ये बात तो ये है, उसकी खासियत है धूप काले में फूल बहुत रहते हैं। अच्छा, क्योंकि धूप काले में बाकी नहीं रहते फूल, तो इसको रहते तो ये जो आनंद मिलता है बोगनवेल से वो बहुत अच्छा। तो अभी आपके पास कितने प्रकार के बोगनवेल है मैडम? मेरे पास तो कलर तो 5 ही है अभी, लेकिन मैंने जो लगाए है सबके 4-4, 5-5 ये लगाए है कलम, तो ऐसे मेरे पास 17 है। 17 प्रकार? हाँ, 17 प्रकार के है, और अभी मैंने 12 और लगाए है। अच्छा, 12 और आपने लगाए हुए है, तो अभी वो निकले है। इसके जो कटिंग से लगाने की प्रोसेस कैसी है? हाँ, मैंने ये जो है कटिंग से ही लगाई है सभी बोगनवेल, तो परचेस तो अपन कर सकते हैं, लेकिन परचेस से भी ज्यादा अपने हाथों से लगाए हुए में आनंद ज्यादा आता है, इसलिए मैं कटिंग से किए वो मैं दिखा सकती हूँ आपको कि मैंने वो कैसे किए। इसको 1 साल हुआ है, 28 फरवरी को मैंने बराबर लगाई थी, तो अभी इसको 1 साल होने को आया है, होया है समझो। तो इसमें मैंने ली थी 35% गार्डन सॉइल और वो जो नदी की रेत 35% और ईट के बारीक टुकड़े 35% मिक्सर। हाँ, आपने 35% तैयार किया हुआ? तैयार किया हुआ मिक्सर है। हाँ, और उसमें मैंने ये कटिंग लगाई। अच्छा, और कटिंग लगाने के बाद पहले पानी डाल दिया इसमें, फिर उसमें कटिंग लगाई छेद करके, और फिर उसमें और पानी डाल के, तो अभी जो मैंने इस साल लगाई है इस कटिंग को 1.5 महीना हुआ है। अच्छा, कटिंग लगाने के बाद जो है तो ये देखो, इसको बराबर 1.5 महीना हुआ है। हाँ, 1.5 महीना हुआ है, ये मैंने लगाई 15 दिसंबर को। अच्छा, 15 दिसंबर। और ये जो है आप अभी लगाए समझो तो 3 महीने बाद या बरसात के टाइम में इसको ये ऐसे निकाल डालना, निकालने के बाद ये बिल्कुल ये बाहर के वेदर में आ जाता है, तो इससे क्या होता है ये जो पत्तियां है ये मुरझा जाती है, उससे वो पेड़ ये लगा हुआ ये है वो मरने का भी डर रहता है। तो आप क्या करना, कुछ दिन उस पेड़ को ऐसे भी रख दिए तो भी चलता, ये ऐसे रख दिए तो भी चलता, मैं ऐसे रख देती हूँ, मतलब अपना जो मॉइस्चर उसके अंदर, जो टेम्परेचर उसके अंदर जाना चाहिए। हाँ, धीरे धीरे वो जो बाहर का है वो उसमें एडजस्ट होने को होना। हाँ, क्योंकि पहले वो कैसे रहते पॉलिथीन के अंदर रहता, बाहर के इसमें आ गया तो एकदम से वो मुरझा जाता, तो मैं ऐसा रख देती हूँ, और पानी अगर सूख गया तो मैं ऊपर से यहाँ से डाल देती हूँ। ऐसा कुछ 8 दिन करने के बाद वो फिर अपने इसमें सेट हो जाता है, देखते रहना ऐसे दिन भर खुल के मुरझता कि नहीं मुरझता, जिस दिन नहीं मुरझा समझ जाना कि ये अब सेट हो गया, मतलब सक्सेस हो गया, सक्सेस हो गया। ऐसे तो ये जैसे आप देख रहे हैं ये जो पीछे ये सब लगाए है, ये देखो ये पन्नी को कितना मॉइस्चर आ गया है, तो ये ऐसे आ गया तो समझो कि वो सक्सेस हुए हैं अपने उसमें, और सब में पत्तियां आ गई है छोटी छोटी, इसमें भी आ गई है, इसमें भी है, किसी की दिखती है बारीक बारीक है, किसी की बड़ी बड़ी है, इधर भी आई है, तो ये हुआ है, मतलब सक्सेस हो चुका है। हाँ, सक्सेस हो चुका है, फिर भी ज्यादा से 28 के आखिरी लगाएंगे तो और ज्यादा अच्छा हो जाता है। अच्छा। मैंने ऐसे मेरे को रास्ते में दिखी थी कटिंग, तो मैं लेकर आई हूँ। अच्छा। तो मैं सफेद समझ कर लेकर आई थी, तो उसके बाजू में ये पिंक कलर का था, शायद उसके कुछ पराकन आ गए होंगे, तो उससे वो ऐसे अलग कलर्स के तैयार हो गए हैं। पहले तो इससे भी सुंदर कलर आया था, धूप काले की वजह से ज्यादा। इसमें 3 कलर दिख रहा है, देखो सफेद भी है, थोड़ा रेड भी है, रेड भी है, डार्क रेड दिख रहा है। हाँ, नहीं ये इसका है। अच्छा, ये अलग है, ये अलग है, ये इसका है, ये मैंने नर्सरी से लाया था। अच्छा, ये नर्सरी से लाया था, ये मैंने हाथ से लाया। हाँ, अलग है, इसका अलग है, अब इसका मेरे को नाम याद नहीं। डार्क ग्रीन में है इसका। हाँ, ये अपने इसको गावरानी बोलते हैं अपने इधर में, अपने टाइप में। और ये जो है तो ये इसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, कोई तो भी अलग नाम है इसके पत्तियों की वजह से। ये भी है, लेकिन इसकी भी कलम लगती है, क्योंकि इसकी भी कलम सक्सेस हुई है, हमने लगाई है, मेरे बहन को दी मैंने अभी, लगी हुई,
वो भी लेकर गई मेरे पास से। तो इसमें खाद क्या डालते हो? हाँ, इसमें मैं खाद बनाती हूँ। तो वो वेजिटेबल के अपने जो सब्जियाँ वगैरह बचती है होती है हरी सब्जियाँ, तो उसका जो खाद मैंने बनाया हुआ है तो वो मैं इसमें वो मिट्टी ऊपर के निकाल के उसमें डाल देती हूँ। वैसे भी मैं बहुत सारा डालती हूँ, अब घर का ही है तो मुझे उसकी कोई कमी नहीं है। तो मैं बहुत सारी यानी जितनी मिट्टी है समझो उतना ही खाद डाल देती हूँ, और वह तपनी नदी की ऐसे तीनों मिक्स करके मैं उसमें डाल देती हूँ। उसके बाद उस पर जीवामृत जो मैं अक्टूबर के बाद शुरू करती हूँ तो वो मैं उसमें डालती हूँ। अच्छा, मतलब तो जो भी खाद है वो घर पे बनाती है? हाँ, हाँ, और जीवामृत भी मैं घर के बनाती हूँ, वो भी उसमें डालती हूँ। खाद डालने के बाद अगर आपने जीवामृत डाला तो उसका रिजल्ट और ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा, तो वो मैं दोनों करती हूँ। और जो फूलों का ये आता है मौसम आता है तो उस वक्त मैं केला और चाय पत्ती का जो अलग से खाद बनाती हूँ। तो केले में पोटैश बहुत होता है, तो पोटैश से फूलों फूल जो है ये ज्यादा ये अच्छे होते हैं, तो वो मैं उसमें डालती हूँ। तो अभी आपके पास टोटल मतलब अभी यहाँ तो 17 है, 17 प्रकार के है। वो जो उधर लगाए हैं वो 12 है और नीचे एक है। अच्छा, नीचे भी? हाँ, तो ऐसे 30-32-35 तो हो ही जाते। ये जो है ये इंडोर प्लांट है और इसको बोलते हैं जी प्लांट। हाँ, ये अपन घर में भी रख सकते हैं। ये बहुत सुंदर दिखता है, जब ये पूरा बढ़ जाता है तो ये बहुत ही अच्छा हो जाता है। और ये जो है एक पैंसेट दिया है, ये मेरे को अपने ग्रुप के शीर्षक सर है उन्होंने मुझे दिया है ये। अच्छा, तो अभी इसकी पत्तियां नहीं हुई है रेड, अभी शायद अच्छा, शुरू हो गई है, चालू होने वाली है। ये है साइकस पाम, बोनसाई कर रही हूँ मैं इसका, क्योंकि मुझे ये बोनसाई के रूप में बहुत अच्छा लगता है। बहुत बड़ा हो जाता है तो तकलीफ होती है। और ये जो है ये जो गुलाब है ये मुझे बड़ा है नीचे, वो मुझे सिरसा सर ने दिया था। अब ये ठंडी का मौसम गया, इसको बहुत सारे फूल आए थे तो उसकी कलम से मैंने खुद बड़ी की है। अच्छा, आपने घर पे तैयार किया, तो ये मेरी सक्सेस हुई है। तो है ये मेरे पास अलग अलग कलर के गुलाब है, ये तो डार्क रेड है और ये जो कश्मीरी गुलाब बोलते हैं वो है। अच्छा, कश्मीरी गुलाब? हाँ, कश्मीरी गुलाब है। और ये जो है तो इसको भी रेड फूल आते हैं। ये सब जो देसी गुलाब बोलते हैं वो है ये सब। तो ये भी वही है, ये डार्क रेड है। और ये जो है सफेद, ये बहुत सुंदर है। अच्छा, इसको इतने सुंदर ऐसे गुच्छे से यानी 45-35 ऐसे फूल एकदम से लगते हैं जब ये बड़ा हो जाता है। तब और ये जरूल का बोलते हैं इसको, ये जरूल प्लांट है। इसमें मेरे पास 4 कलर है। अच्छा, ये जरूल? हाँ, 4 कलर है। ये रेड कलर है, एक व्हाइट है, एक पिंक कलर है और एक जामुन कलर है। ऐसे 3-4 कलर है। और ये शायद पीला कलर होगा, मैंने लगा के पीला है शायद पीला है। ये शायद संतरे की भी आपके पास? हाँ, बोनसाई के लिए मैंने ये लाए है संतरा। तो पहले इसको संतरा छोटे छोटे आकर गए है। हाँ, तो अभी उसका करने का है, प्रोसेस में चालू है। अभी इस साल पॉट रिपोर्टिंग की है। हाँ, ये जो है कलंचू, ये मेरे बहन के भतीजी ने मुझे दिए थे, सब बिल्कुल छोटे छोटे थे। यहाँ भी एक कलंचू, एक छोटे छोटे थे, लेकिन उषा मैडम के जो मैंने वीडियो देखे, उन्होंने कैसे इनको ये करना ये देखे तो जल्दी से बड़े होकर उनको बहुत सारे फूल आए थे, अभी सूख गए हैं। उषा दुर्गा मैडम का भी हमने वीडियो में बताया था उसके बाद। आपने देखा होगा। हाँ, आपके जो वीडियो है मैं पूरे देखती हूँ, सबके सब वीडियो देखती हूँ। और उषा मैडम के भी वीडियो मैंने देखे है, उन्होंने भी कलंचू कैसे लगाना, कैसी मिट्टी उसकी ये करना, तो मैंने वो उस प्रोसेस ही किए तो ये सब उसके फूल आ गए। अच्छा, बहुत जल्दी आ गए। मैम, ये एडेनियम कितने साल का है? ये एडेनियम शायद 12-13 साल का होगा, क्योंकि मैंने जब लाया तीन साल हुए। अच्छा, मेरे सहेली ने ये मुझे दिया। अच्छा, आपकी सहेली ने? हाँ, मेरे सहेली ने। सीडलिंग में है, सीडलिंग से तो वो मेरे अलग उधर से तैयार हुए, वो 3 साल के हुए। अब ये जो है एडेनियम, ये सब मैंने सीड से बनाए हुए, इसको 3 साल पूरे हुए, चौथा चालू हुआ। ये आपने सब सीड से तैयार? हाँ, सब सीड से तैयार किए हुए है। तो ये जो है इस साल मैंने 3 को ग्राफ्टिंग की है। तीन पे पहला बार की है मैंने एडेनियम के। तो इसका सॉइल मिक्स में क्या है मतलब? इसमें तो ऐसी सफेद मुरुम जैसी मिट्टी है, खाद है और अपनी वो नदी की रेत वाड़ू वो है।
मतलब तीन मिक्सर और गोबर और आपने जो अपने घर में जो बनाया, मैं जो घर में बनाती हूँ वही डालती हूँ और जीवामृत डालती हूँ। जीवामृत, जीवामृत तो मेरा हर हर पेड़ को रहता है। अच्छा, ये जो है ये रेन लिली है। अच्छा, आपने टॉप में इसमें कैरेट में लगाई? हाँ, कैरेट में लगाई, ऑफ व्हाइट कलर की है। अच्छा, बहुत सुंदर दिखती है। तो ये है और ये है लहसुनिया। लहसुनिया, हाँ, ये मेरा खास है। अच्छा, ये खास है। जब ये जो फूलता है तो ये सब के सब जो नहीं वो पूछते रहते, पूरे गांव को दिखता है। जब मैं ग्रुप पे डालती हूँ मुझे बहुत सारे रिप्लाई आते हैं इस पे। हाँ। और फोन भी आते हैं ग्रुप के लोगों के, कटिंग के कैसे लगाते, क्या लगाते, क्या डालते। ये जो है ये कलम मैंने लगाई है, तो ये मोतिया गुलाब की कटिंग है, ये चारों लगी है और ये सफेद गुलाब की है। देखो इसको कली भी आ गई है। हाँ, इसको कली भी आ गई है। ये मैं अपने ग्रुप के जो दोस्त हो गए, फ्रेंड लोग गए, उनको देने के लिए। अच्छा। उनकी मांग रहती है कि हमको मोतिया गुलाब चाहिए, तो मैं कलम के बजाय झाड़ी लगा के उनको देती हूँ। अच्छा। तो हम ये गुलदाउदी आपने लगा दिया, मतलब मराठी में उसको शेवंती कहते हैं। तो ये अगले साल के की प्लानिंग होंगी शायद? हाँ हाँ, ये जो है मेरी ये अगले साल की प्लानिंग है। ये जो है मैंने अभी तीन चार ही दिन हुए, इसलिए थोड़े से मुरझा मुरझा से है। हाँ। तो अभी मैंने ये पूरे लगा के जो जो कलर है मेरे सब कलर दस दस लगाए, अभी बाकी लगाने के है। अच्छा। तो खाली कुंडी है, तो इसमें है जामुनी कलर, पर्पल कलर, पीला कलर, ये जो पीला है ऐसे सिंगल पीला, ये दांत पीला, और ये अपने किनखड़े सर के यहाँ से लाया, ये बहुत ही सुंदर है। अच्छा, स्वप्निल। हाँ, स्वप्निल सर, स्वप्निल सर, हाँ, उनके यहाँ से मैंने लाया। बहुत ऐसा बहुत बड़ा पीला फूल आता है। हाँ, अभी है। हाँ, ग्रोथ स्टेज पे। हाँ, हाँ, चालू है, उस पर अभी डालना पड़ेगा राग। ये जो राग डाली ये हो जाता है, मुझे वैसे स्प्रे का काम नहीं पड़ता। अच्छा, स्प्रे का काम नहीं, काम नहीं पड़ता। मैं जीवामृत डालती हूँ ना। हाँ। तो उसके वजह से मेरी पत्तियां वगैरह कभी वैसे खराब नहीं होती। शेवंती है। हाँ, ये शेवंती है। हाँ, ये कलर तो ये कम है, लेकिन पीला, सिंगल पीला, डार्क पीला, सफेद, ये जो है ये मेरे को बहुत सबसे पसंद है मेरा सफेद वाला। अच्छा। तो हाँ, तो उसके है और ये भी सफेद है। अच्छा। तो इसके मैं सबके दस 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 कुंडिया बना के रख रहे हैं। किसको चाहिए वो दे देंगे आप? हाँ, जिनको चाहिए। हाँ, जिनको, किसी को मैं देती हूँ, कोई मेरे घर रखने, मेरे को बहुत सारी गुलदाउदी मेरे को बहुत पसंद है। अच्छा। तो हाँ, मैं पूरे उसके जितने मैंने डेढ़ महीने के लिए मैं पूरी उसके लिए साल भर ये तो बहुत भरा है मैडम, पूरा भर गया ये। हाँ, लेकिन ये निकलता नहीं, जब ऐसे पूरा का पूरा बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि सब एक दूसरे में। मैंने कोशिश की तो फिर मैंने रहने दिया। बरसात में शायद लग जाएगा मैडम, ऐसा लग रहा है। हाँ, बरसात में तो उसकी कटिंग भी लगती है, मैं कटिंग भी लगाती हूँ। जो है ये कनेर है, ये दो है, प्रकार के कलर। हाँ, ये दो है, ये पीला कनेर है और ये पिंक, और ये पिंक है, और मुझे इसमें और सफेद कलर भी चाहिए। तो इसमें तीन चार जो कलर है वो मैं सब लगाने, सिर्फ मेरे पास सफेद नहीं है अभी, रेड भी है। जो है मैडम ने ये सिर्फ बकेट में लगाए, पेंट की जो बकेट है लगाए मैडम ने, और देखो कितने अच्छे फूल आए हैं। अभी तो मौसम ही इनका है। हाँ, मौसम ही है इनका। हाँ, इसलिए वो ज्यादा पसंद है। जब ये पूरे फूल जाते हैं बहुत सुंदर दिखते हैं। मेरी दोनों कैंचियां है, एक छोटी है एक बड़ी है। तो छोटी हमेशा मेरे बैग में रहती है और बड़ी कैंची मेरे मिस्टर के गाड़ी की डिक्की में रहती है। ये सब कटिंग से कुछ प्लांट लगाए हैं और कोई भी मुझे मांगते हैं तो मैं उन्हें दे डालती हूँ। मनी प्लांट, ये अलग अलग प्रकार के हैं, तो ये मुझे घर में लगाने से बहुत अच्छा महसूस होता है। ये मैंने व्हाइट सीमेंट से बनाया हुआ है, व्हाइट सीमेंट फेविकॉल। आपने हाथ से घर? हाँ, घर पे बनाई है, इसमें सांचे में डाल के। तो ये पहली बार बना के देखा है मैंने, ये सक्सेस हो गए हैं। तो अभी और इसमें कलर पेंटिंग बाद में और करना है, ये सक्सेस हो गए। और जगह जगह प्लांट लगाए हैं। ये जो है ये पेंटिंग मैंने की है। हाँ, ये मैंने की है, उधर की लड़की ने की है और मैंने लगाया। ये देखो, ये जो है ये आइसक्रीम का ये है, जो आइसक्रीम अपन ये खाते हैं ना। अच्छा, उसका है। उसका ग्लास है, ये टूट गया था तो इसको कलर लगा के मैंने दूसरा यूज कर लिया। और ये स्नेक प्लांट है फ्लावर में, इसका जो कलर ये है उधर का और इधर में जो कॉन्ट्रास्ट कलर में मैंने रखा हुआ है। हाँ, तो वो मेरे सैलिन दिए अभी मुझे।
थैंक यू मैडम, हम अपने आपका जो आपके यहाँ का जो बोगनवेल का जो कलेक्शन और बाकी जो गार्डन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। हाँ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो मेरा गार्डन है मेरे सब दिखाया अपने व्यूअर्स को, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। अमरावती गार्डनिंग बर्ड्स चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच मैम।